आई डिड इट 45 आवर्स इन दिस ट्रेन। तुमको बोल रही थी कि हमको प्ले में ले लो। अरे टेस्ट पी के बताइए ना कैसा है। 80 रुपए का खाना है, ये देख लीजिए, ये ट्रेन में मिलता है, आप खा सकते हैं। एक अकल आए है तारी भाई, रो रहा है। सोचिए लड़कों की जिंदगी में कितना कष्ट होता है घर चलाने के लिए, अपने घर से लड़के दूर हो जाते हैं। अपनी ट्रेन कृष्णा नदी को क्रॉस करने वाली है, चलिए आप सभी को कृष्णा नदी दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार के छपरा से MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12670 गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी के तीसरे दिन दूसरे एपिसोड में हम अभी बस वारंगल पहुंचने वाले हैं। पहले एपिसोड में आप सबने देखा हम छपरा से नागपुर तक के ट्रेन जर्नी को कवर किए थे। अब तीसरे दिन हम दूसरे एपिसोड में वारंगल से MGR चेन्नई सेंट्रल तक ट्रेन जर्नी को कवर करने वाले हैं। वारंगल अपनी ट्रेन बस पहुंचने वाली है। सुबह के अभी लगभग 6:20 हो चुके हैं, लेकिन अभी देख लीजिए तेलंगाना में जो है अभी प्रॉपर उजाला हुआ नहीं है। अच्छा, अगर आपने इस ट्रेन जर्नी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि छपरा से नागपुर तक बहुत ही मज़ेदार जर्नी को मैंने कवर किया है इस गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी में, तो जाकर देख लीजिएगा जरूर। अच्छा, बात करें अगर इस गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी की, तो ये छपरा से चेन्नई तक टोटल 2338 किलोमीटर की दूरी तय करती है लगभग 40 घंटे में, लेकिन अपनी ट्रेन जो है 5 घंटे की देरी से चल रही है, तो हम इस ट्रेन में लगभग 45 घंटे बिताने वाले हैं छपरा से MGR चेन्नई सेंट्रल तक। छपरा से 1701 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है तेलंगाना के वारंगल। वारंगल अपनी ट्रेन का पहुंचाने का सही समय था रात के 1:25 पर, लेकिन अपनी ट्रेन 5 घंटे की देरी से यहां आई है सुबह के 6:25 पर। यहां पर 2 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का, और वारंगल तेलंगाना का एक बहुत ही बड़ा सिटी है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है वारंगल से। अच्छा, रेलवे के हिसाब से अब हम लोग आ गए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के सिकंदराबाद डिवीजन में। देख लीजिए वारंगल से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। जनरल कोच का कंडीशन देख लीजिए एक बारी, भीड़ उतना का उतना ही है। बहुत सारे पैसेंजर उतर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं, और ये कंडीशन है इस ट्रेन के जनरल कोच का। जी दोस्तों, घर को चलाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, और ये भाई शायद कमाने के लिए घर से निकला है, बिहार से जा रहा है शायद। कहाँ जाएगा भाई, विजयवाड़ा जा रहा है कमाने के लिए, तो भाई के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई थोड़ा सा इधर दिखा दो हमको, देख लीजिए भाई रो रहा है। सोचिए लड़कों की जिंदगी में कितना कष्ट होता है घर चलाने के लिए, अपने घर से लड़के दूर हो जाते हैं। भाई का उम्र शायद अभी 18 साल भी नहीं होगा, और भाई जो है घर छोड़ के जा रहा है बाहर कमाने के लिए, और देखिए उसके आंखों से आंसू, उसके आंखों से दर्द झलक रहा है। गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन में जो है बिहार के लगभग लोग मतलब मजदूर ही हैं, जो बिहार से तेलंगाना आंध्र प्रदेश चेन्नई मतलब जा रहे हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। इसमें लगभग ऑलमोस्ट 90% पैसेंजर जो है वो सिर्फ बिहार के हैं जो जा रहे हैं कमाने के लिए। सुबह की शुरुआत अपने फेवरेट किशमिश और खजूर के साथ फिर से। चाय दीजिए, पूरा 150 ml दीजिए ना, पूरा 150 ml दीजिए ना। कितना बा और ही दीजिए, कितना बा नीचे देखो, लिखो पहले देखो कितना बा। इसमें भी मतलब आप लोगों का स्कैम चल रहा है।
देख लीजिए, ये है 150 ml वाला कप, ठीक है। इसमें चाय जो है पूरा भर कर देना है 10 रुपये में, लेकिन ये लोग जो है लगभग मतलब 100 ml ही चाय दे रहे हैं, और साथ में चाय और ये है मेरा बिस्कुट। चलिए इसको खाते हैं। ये सब पहाड़ों वाला एरिया है, बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं भाई, खेतों में भी पहाड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, देख लीजिए इसको। काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश जो है हो रही है, एकदम चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं, सूर्य भगवान एकदम बादलों में छुपे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों से होकर अपनी ट्रेन निकल रही है, देख लीजिए आंध्र प्रदेश के पहाड़। ये देखिए छोटी सी ट्रेन, पता ना किसी चीज की ये फैक्ट्री है। ट्रेन का कर्व देखिए, गजब का कर्व हो रहा है भाई, यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे पहाड़ियों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो घर बने हुए हैं, देखकर कितना प्यारा लग रहा है भाई। देखिए पूरा चारों तरफ इधर भी पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, क्या ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है भाई। पहाड़ों पर जो घर बने हुए हैं ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अल्टीमेट व्यू देख लीजिए। बाकी ये सारे हमारे भाई लोग जो हमारे साथ छपरा से आ रहे हैं, ये लोग विजयवाड़ा जंक्शन में ही उतर जाएंगे। भाई लोग कहाँ जा रहे हो आप लोग? विजयवाड़ा का करने के लिए, काम करने के लिए। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? सोलर प्लांट। सोलर प्लांट में आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? सोलर प्लांट। सारे भाई लोग विजयवाड़ा में सोलर प्लांट फैक्ट्री में काम करते हैं। चलिए भाई आप सब बढ़िया से रहना, बढ़िया से कमाना, ठीक है? चलिए ठीक है। छपरा से 1907 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने 19वें हॉल्ट आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन पर। विजयवाड़ा जंक्शन का स्टेशन कोड है BZA, यहां अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और रेलवे के हिसाब से अब हम आ गए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन में। बाकी अपनी ट्रेन का यहां पहुंचने का टाइम था सुबह के 5:15 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 4:20 की देरी से यहाँ आई है 9:35 पर। चलिए बाकी बहुत सारे भाई लोग जो है विजयवाड़ा में ही अपनी यात्रा को समाप्त कर दिए हैं। सारे भाई लोग जो दिख रहे हैं, ये सब भाई लोग हमारे साथ छपरा से आ रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं भाई सब ये सब कमाने के लिए, किसी न किसी फैक्ट्री में सब जाएंगे काम करने के लिए। घर छोड़ के आए हैं भाई, घर को बनाने के लिए। चलो भाई आप सब साथ जर्नी करके बहुत बढ़िया लगा, मिलते हैं फिर कभी। चलिए आप सभी को बाय बाय। चलिए विजयवाड़ा से देखते हैं, आप कुछ खाने के लिए लेते हैं क्योंकि भूख भी लग चुकी है।
विजयवाड़ा 10 प्लेटफॉर्मों का रेलवे स्टेशन है और यहाँ अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आई है। और विजयवाड़ा जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है हावड़ा चेन्नई की ओर और एक लाइन चली जाती है न्यू दिल्ली चेन्नई की ओर। एक दो लाइनें शायद और जाती है जिसका भाषा मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं वीडियो में बता नहीं पा रहा हूँ। विजयवाड़ा जंक्शन पर आपको सभी को खाने के लिए समोसा मिल जाएगा, केला भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिल रही है। आगे उधर स्टॉल लगा हुआ है, आप ले सकते हैं। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन से निकल चुकी है। अच्छा, विजयवाड़ा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। प्लेटफॉर्म को छोड़ती हुई हमारी गंगा कावेरी एक्सप्रेस। अच्छा दोस्तों, अभी अपनी ट्रेन कृष्णा नदी को क्रॉस करने वाली है। चलिए आप सभी को कृष्णा नदी दिखाते हैं, बहुत बड़ी नदी है कृष्णा नदी। चलिए दिखाते हैं आप सभी को। देख लीजिए, यही है अपनी कृष्णा नदी। हालांकि आप इस पे वीडियो बनाना थोड़ा अवॉइडिंग कीजिएगा क्योंकि बहुत बारी मैं देखा हूँ कि इस पे जो है फोन उन छीन लेते हैं, लेकिन मैं भाई आप सबके लिए रिक्स लेके वीडियो शूट कर रहा हूँ और कैमरे पे नज़र ना रख के मैं ब्रिज पे नज़र रख रहा हूँ कि आगे कोई खड़ा तो नहीं ना है। देख लीजिए, कृष्णा नदी को क्रॉस करती हुई अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस। कृष्णा नदी से निकल गई अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम गंगा कावेरी एक्सप्रेस इसलिए रखा गया है क्योंकि यूपी और बिहार में गंगा नदी बहती है और तमिलनाडु में जो है और केरल में कावेरी नदी बहती है, तो गंगा नदी को कावेरी नदी से इस ये ट्रेन जोड़ती है, इसलिए इस ट्रेन का नाम जो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस रखा गया है। आउटर पे कहीं अपनी ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ मिल रहा है वहाँ पे तारी, और भाई पूरा जितने भी ये लोग हैं सब जाके वहाँ से तारी लेकर आ रहा है। देख लीजिए बोतल, भाई दिखा ले जरा, भाई दिखा तारी, दिखा तारी, अरे तारी दिखा ना, देखो भाई ये तारी कितने में मिला, भाई कितने में मिला, 50 रुपया भाई एक लीटर ताली मिल रहा है। देखिए पूरा मार हो गया है भाई तारी लेने जाने के लिए। देख लीजिए, देखिए ये काका लाए हैं तारी। काका चलती ट्रेन में तारी पीजिएगा। कितने में मिला है? 50 रुपए में। देख लीजिए एक लीटर भाई तारी मिला है। कौन सी चीज का तारी है? तार का है या खजूर का है? खजूर का तारी है भाई। देख लीजिए तारी, देख लीजिए भैया पी के टेस्ट बताइए कैसा है। बहुत अच्छा। अरे टेस्ट पी के बताइए ना कैसा है। नशा नहीं करेगा? नशा नहीं करेगा, नशा करने वाली चीज है। देख लीजिए भाई जनरल कोच में सादा खाना सर्व नहीं कर रहे हैं ऐसा मिले भैया। जनरल कोच में नहीं आ रहा इसलिए बोल रहे हैं। जनरल कोच में सिर्फ अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी बेचा जा रहा है जो मैं खाता नहीं हूँ, ना ही अंडा खाता हूँ और ना ही चिकन खाता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए इस ट्रेन के पेंट्री कार में। चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमको खाना खाने में। चलिए चलते हैं पेंट्री कार में। और ये स्टार हमको बोल रही थी कि हमको कैमरे में ले लो। कहाँ से हो? विजयवाड़ा से। क्या बेच रही हो? मनी पर्स बेच रही है। देख लीजिए मनी पर्स कितने का है? 150। जरा 150 रुपए का पर्स बेच रही है ये। चलिए अच्छा और लो जी दोस्तों, आ चुका हूँ मैं इस ट्रेन के पेंट्री कार में और देख लीजिए खाना यहाँ पर लगाया जा रहा है। भैया हमको एक स्टैंडर्ड वेज मिल्क दे दीजिए। ठीक है चलिए, हम स्टैंडर्ड वेज मिल्क के लिए बोले हैं, देखते हैं भैया दे रहे हैं, बोले हैं 5 मिनट रुक जाइए देना है, बाकी यहाँ पे खाना बनाया जाता है। देख लीजिए ये है इस ट्रेन का पेंट्री कार, ये पनीर काटा हुआ है, इसमें अंडा उबाला जा रहा है, उधर चाय बन रहा है और कुछ भी बन रहा है। चलिए 80 वाली थाली लेकर ट्राई करते हैं कि इस ट्रेन के पेंट्री कार का खाना कैसा है। आप सभी को
रिव्यू भी बताएंगे। लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है अपना स्टैंडर्ड वेज मिल्क। भैया पेंट्री वाले मैनेजर भैया हमको बोले कि इधर बैठ के खा लीजिए, कहा उतना दूर जाइएगा, इसलिए मैं भी इधर बैठ गया हूँ खाने के लिए। चलिए खाने का रिव्यू कर लेते हैं, खोलते हैं इसका पैकेट और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों देख लीजिए, थोड़ा इधर दिखाइए, इसमें क्या चीज़ की सब्जी है भैया? आलू गोभी मटर। आलू गोभी और मटर की सब्जी है, चावल है और मिक्स अचार है और दाल है। दाल की क्वालिटी जो है मुझे बहुत बढ़िया लग रही है और चावल भी बहुत बढ़िया है और सब्जी भी बहुत अच्छा लग रही है। बाकी इसमें रोटी दी हुई है, तीन रोटी है इसमें, और एक मिठाई के रूप में सोन पापड़ी दी गई है। चलिए खाना खाकर टेस्ट बताते हैं आप सभी को कैसा है इस खाने का टेस्ट। 80 रुपये का खाना है ये, देख लीजिए। ये ट्रेन में मिलता है, आप खा सकते हैं जब चाहें तब खा सकते हैं। चाहे आप स्लीपर क्लास में जर्नी करते हो, चाहे आप जनरल क्लास में जर्नी करते हो, चाहे आप एसी में जर्नी करते हो, आप ये 80 रुपये में खाना खा सकते हैं इस ट्रेन के अंदर। चलिए खा कर बताते हैं। और दोस्तों अगर दाल चावल की बात करें ना, तो एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म खाना है और काफ़ी स्वादिष्ट है खाना। चलिए सब्जी ट्राई करते हैं, सब्जी कैसा है। अरे है इस मटर और आलू की सब्जी, भाई जवाब नहीं है खाने की, बहुत बेहतरीन खाना है, मैं बता नहीं सकता हूँ। इस खाने को मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 9, इतना बढ़िया खाना है, सच बता रहा हूँ, बढ़िया खाना है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा खाना है, आप खा सकते हैं। गुदूर जंक्शन छपरा बिहार से 2201 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने सेकेंड एंड लास्ट स्टॉप गुदूर जंक्शन। GDR इसका स्टेशन कोड है और गुदूर जंक्शन आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में आता है। अब हमारी ट्रेन जर्नी जो है वो समाप्त होने को है, बस और 100 किलोमीटर की जर्नी जो है वो बच गई है गुदूर से चेन्नई सेंट्रल तक की। और भाई इधर गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, एकदम समझ लीजिए कि गर्मी वाला मौसम है इधर एकदम बिल्कुल। अपने मंजिल की ओर निकल गई अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस गुदूर जंक्शन से। किन्नरों का बहुत आतंक है, लोगों से 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं, अभी जबरदस्ती मार मार के ले रहे हैं। इन भैया लोग से कितना रुपए लिए भाई? 100 रुपया एक आदमी से, भाई 100-100 रुपए ले रहे हैं, किन्नर इतना आतंक फैला रहे हैं। टिकट है हम लोग का। जनरल कोच में आसान नहीं था, लेकिन भाई मैंने एक कर लिया, अपनी ट्रेन बस कुछ ही मिनटों में चेन्नई सेंट्रल पहुंचने वाली है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा भी था और बुरा भी था। अच्छा इसलिए था क्योंकि मैं यहां तक आया और अपने वीडियो के माध्यम से जो भी हो सकता था आप सभी को दिखाया। और बुरा इसलिए लगा क्योंकि ट्रेन जो है थोड़ी सी लेट हो गई, तो जर्नी थोड़ी बोरिंग सी लग रही थी। हालांकि अगर ट्रेन लेट ना होती ना, तो जो जो नज़ारे मैं आप सभी को दिखाया हूँ इस वीडियो में, वो नज़ारे मैं नहीं दिखा पाता, क्योंकि एक ट्रेन उन नज़ारों से रात में ही गुजर जाती है। बस कुछ ही देर में अपनी ट्रेन जो है चेन्नई सेंट्रल पहुँचने वाली है। चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो,
ये मुस्कान अपने गंतव्य से मंजिल तक पहुंचने की है। बिहार के छपरा से तमिलनाडु के एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तक की ये ट्रेन जर्नी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए यार, अभी इससे ही बढ़िया बढ़िया एकदम ट्रेन जर्नी आने वाली है, बस उसके लिए आप सब मेरे साथ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए। और भाई इतनी बढ़िया बढ़िया जर्नी आएगी ना कि आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, इतनी बढ़िया बढ़िया जर्नी आने वाली है बहुत जल्द। मुझे लग रहा है शायद ये सब कंपनियों का जो कचरा है ना वो है, क्योंकि गंध आ रही है इसमें से, शायद वही है क्योंकि गंध आ रही है और पानी भी एकदम काला काला है, सब इंडस्ट्रियों का जो है कचरा है। बिहार के छपरा से 2338 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फाइनली यहां हमारी 3 दिनों की और 45 घंटे की ट्रेन जर्नी समाप्त होती है। आप सभी को ये गंगा कावेरी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठे मेरे साथ ट्रेन जर्नी करते रहिए। लव यू, बाय बाय। अच्छा बात करें अगर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ना, तो इसका स्टेशन कोड है MAS, साउथर्न रेलवे जोन के चेन्नई डिवीजन के अंतर्गत आता है और लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ आकर स्टॉप हो जाती है, इसके आगे लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं जाती है।